शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं एडा अगस्ता से। कल हमने हर्मन होलेरिथ के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एडा अगस्ता। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब चार्ल्स बबेज का जो प्रोजेक्ट था, जब वो सही कामयाब नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, उसको समझाने के लिए बाद में एक लेडीज़ होती है जिसका नेम है एडा अगस्ता, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया। ये मैथमेटिक मतलब ये मैथमेटिक जो मैथमेटिक वर्क होता है उसके अंदर ये एक्सपर्ट थी। जो मैथमेटिक वर्क होता है उसके अंदर ये क्या थी? एक्सपर्ट थी। अब एक्सपर्ट होने के कारण इन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स बबेज का जो कंप्यूटर था, जो उनका मैथमेटिक सिस्टम था, उसको सोल्व करने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने इसको सोल्व किया। इनकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक था। इन्होंने कंप्यूटर के मैथमेटिक वर्क को सॉल्यूशन किया, किसके? चार्ल्स बबेज के। चार्ल्स बबेज के कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम था, जो जीरो और वन से स्टार्ट था, उसका सॉल्यूशन पब्लिक को समझाने के लिए जो वर्क किया था वो एडा अगस्ता ने किया था। इसकी बात को आपको याद रखेंगे कि ये कहाँ से थी, ये इंग्लैंड से थी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वर्क में, कंप्यूटर वर्क में इतनी व्यस्त थी, चार्ल्स बबेज के वर्क को सोल्व करने के लिए इतनी व्यस्त थी कि इन्होंने इंग्लैंड के अंदर इनको जो प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल कर दिया गया था, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने सॉल्यूशन के लिए इंग्लैंड तक को छोड़ दिया था, क्योंकि बार बार इन्हें कहा जाता था कि इस प्रोजेक्ट में वर्क नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पब्लिक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने बार बार इसी को प्रयास किया, इसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया, और बाद में सबसे पहले इन्होंने पब्लिक के सामने इस प्रोजेक्ट को रखा और इसका सॉल्यूशन किया। और इन्होंने एक लैंग्वेज भी बनाई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई जिसका नाम एडा दिया गया। ये बात आप याद रखोगे कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले बनने के बाद जो लैंग्वेज आई थी उसका नेम एडा रखा गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ तक आपकी जनरेशन कंप्लीट हो गई है, एडा अगस्ता तक कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे। इसी वजह से कंप्यूटर को, इसी वजह से चार्ल्स बबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाद में कंपनियां आई, इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट किया। जब ये पूरी तरह से समझ में आ गया था तो सबसे पहली कंपनी आज भी है और बना रही है, इस प्रोजेक्ट को बना रही है, जो हार्डवेयर बनाती है, IBM कंपनी बनाती है, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इस टॉपिक की हम हेडिंग लगाएंगे और इसके बारे में जानेंगे कि IBM क्या करती है। इस बात को याद रखेंगे कि IBM जो कंपनी है वो कंपनी कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों बनाती है, ओनली फॉर हार्डवेयर बनाने का काम जो है वो IBM कंपनी के द्वारा किया जाता है, और सॉफ्टवेयर बनाने का काम वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो हार्डवेयर बनाए जाते हैं कंप्यूटर के वो IBM कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं IBM। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर, अब आपके साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब कंप्यूटर के बारे में आता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर बनाती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो न्यूमेरिकल वर्क था वो सोल्व हो गया, चार्ल्स बबेज का जो सॉल्यूशन, प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन जो किया था पब्लिक को समझाने और साइंटिस्ट को समझाने का काम किया था, वो किसने किया था? एडा अगस्ता ने किया था। एडा अगस्ता के इस प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन के बाद चार्ल्स बबेज को बाद में सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया और उन्हें कंप्यूटर का फादर कहा गया। अब हम देखते हैं कि बाद में इस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन करने के लिए कंपनीज़ होती हैं, तो कंपनीज़ के अंदर सबसे पहले जो कंपनी है तो जो आई थी उस कंपनी का नेम है IBM, जो 1924 में आई थी, और कहाँ से? अमेरिका से। इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू किया। इन्होंने कौन सा वर्क? ओनली फॉर कंप्यूटर,
ओनली फॉर कंप्यूटर के वर्क पे अपना वर्क स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि इस कंपनी ने क्या क्या बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड सिस्टम होता है, जो मदरबोर्ड सिस्टम होता है उस पे वर्क करना शुरू किया, इसके मदरबोर्ड सिस्टम पे शुरू किया और उसको बनाना स्टार्ट किया। कहा जाता है कि इन्होंने लाखों के अंदर मटेरियल यूज किया और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जो एक रूम जितना बड़ा था। और कहा जाता है इसका कि 40 टन उसका वेट था। कहा जाता है कि 40 टन वेट का सबसे पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। अब देखते हैं कि इन्होंने जो बनाया, आगे देखेंगे कि वो आगे कौन बनाते हैं, लेकिन इन्होंने इस कंपनी ने मिलके जो बनाया वो 40 टन का था। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसके अंदर किसने बनाया। जब कोई ग्रुप मिलके किसी कंप्यूटर को बनाता है तो कभी भी उस साइंटिस्ट का नेम नहीं आता है, ओनली फॉर कंपनी का नेम आता है, उस ग्रुप का नेम आता है। तो इस ग्रुप में अपना नेम क्या रखा था? IBM रखा था। अब स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ये रहता है, क्या ये कंपनी आज भी है? बिल्कुल, आज भी ये कंपनी है और सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाती है। आज भी इसके शानदार प्रोजेक्ट आते हैं। आज भी ये कंपनी वर्क कर रही है, अमेरिका में है और 1924 से ये कंपनी चल रही है, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ये है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे वर्क करती है। जो आज हम CPU को अगर हम खोल लेते हैं, उसके सामने आपको एक सर्किट दिखेगा, उस सर्किट पे प्रॉपर जो वर्किंग है इस कंपनी की उस पे रहती है। ओनली फॉर क्या बनाएगी, हमें एक याद रखना, ओनली फॉर क्या बनाएगी? हार्डवेयर, ओनली फॉर हार्डवेयर। अब कुछ स्टूडेंट के सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, कि व्हाट इज दिस हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU, LCD, LED, ये जो स्पीकर, ये जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, उन सभी को हार्डवेयर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन IBM के बाद एक साइंटिस्ट और थे। IBM तो कंप्यूटर बनाती है, अब थे हार्वर्ड आइकन, इनका भी मन आया कि ये भी कंप्यूटर बनाए। ये एक यूनिवर्सिटी में थे, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड आइकन की, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स करवाते थे। मतलब ये किसके लेक्चरर थे? फिजिक्स के लेक्चरर थे। इन्होंने भी कंप्यूटर बनाने का सोचा। अब फिजिक्स की बात आते हैं, जो फिजिक्स के लेक्चरर होंगे, सिंपल है कि वो इस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रखते हैं। इनके पास जो कंपाउंड्स होंगे वो किससे संबंधित होंगे? लाइट से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होंगे। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया, जो इलेक्ट्रो कंप्यूटर बनाया, वो कंप्यूटर का नेम जो दिया था वो कौन सा नेम दिया था? मार्क फर्स्ट। कंप्यूटर का नाम क्या दिया था इन्होंने? मार्क फर्स्ट। तो ये क्या था? ये कंप्यूटर नेम था। इन्होंने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर नेम दिया। अब बात आते हैं कि यह कैसा कंप्यूटर था? यह इलेक्ट्रो कंप्यूटर था, मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला कंप्यूटर था, जो बिल्कुल मैकेनिकल था। मतलब कभी भी देखना, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी बनाता है उसको मैकेनिकल कहा जाता है, कई उसे इलेक्ट्रिकल कर देते हैं। नहीं, पहली मशीन हमेशा मैकेनिकल ही रहेगी। साइंटिस्ट ने चाहे कुछ भी बनाया हो, वो मैकेनिकल मशीन है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे वायर लगे हुए थे, तो इसके बाद वो जितने भी वायर मटेरियल जो यूज हुआ वो 0.75 मिलियन कंपोनेंट्स लगे थे। मतलब हजारों वायर का यूज हुआ था, बहुत सारे वायर का यूज हुआ, बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ। ये कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, चाहे ये हो, तो इस वैल्यू को ये 5 सेकेंड, इसकी जो वर्किंग थी, मतलब ये कोई भी वैल्यू को, चाहे 2+3=5, ये मतलब कि इस वैल्यू को ये ओनली फॉर 5 सेकेंड के अंदर वर्किंग
करता था, मतलब जो प्रोसेस थी इसकी टू वैल्यू पर वो 5 सेकंड थी। सिंपल बात है कि मैंने आपको बता दिया कोई टू वैल्यू है उसका ये प्लस कर रहा है तो ये 5 सेकंड उसके ऊपर लगाता था। लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग इसको सबसे तेज़ कंप्यूटर माना गया था, इलेक्ट्रो कंप्यूटर को उस टाइम के अकॉर्डिंग इस कंप्यूटर को सबसे तेज़ माना गया था। जो किसने बनाया था? हवार्ड आइकन। जो फर्स्ट कंप्यूटर जो सबसे तेज़ था, सबसे फास्ट था, उस कंप्यूटर को क्या कहा गया? मार्क फर्स्ट कहा गया। जो कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और इसके अंदर 0.75 मिलियन, मतलब हजारों की संख्या में कंपोनेंट्स यूज हुए थे। ये कोई भी टू वैल्यू को कितनी सेकंड में कर सकता था? ओनली 5 सेकंड के अंदर कर सकता था। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ की बात करते हैं हम, यहाँ बात करते हैं हम, तो हम यहाँ बात करते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो FT मैंने लिखा है, जो मैंने FT लिखा है कि ये कितना था, 51 फीट विड्थ, मतलब इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 51 फीट थी। और इसकी हाइट की बात करें, अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो इसकी जो हाइट थी वो 8 FT, मतलब 8 फीट थी। जो इसकी ऊंचाई थी, जो ऊपर की ओर ये कितना लंबा था, तो इसकी जो हाइट है वो 8 फीट थी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हवार्ड आइकन के बारे में स्टूडेंट्स इतना ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा जो कंप्यूटर का कंसेप्ट था वो हिस्ट्री तक कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि आज जो कंप्यूटर की शुरुआत होती है, अब होती है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, क्योंकि अब तक हम जो कर रहे थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर, जो अभी हम मार्क फर्स्ट से पहले के जितने कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, लेकिन मार्क फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्योंकि इसके जो हवार्ड आइकन थे वो किससे रिलेटेड थे, फिजिक्स के थे, और फिजिक्स के लेक्चरर होने की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रो कंप्यूटर बनाने का सोचा और इन्होंने इलेक्ट्रो कंप्यूटर बनाया। उसके बाद जितने भी कंप्यूटर आज आ रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो कि पहले कंप्यूटर जो होता है वो कौन सा होता है, मैकेनिकल होता है, और बाद में वो कंप्यूटर जिससे बनाया गया है मतलब फिजिक्स से रिलेटेड था। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड था तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आज के टाइम में आ गया है उसकी बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कैसे हैं, आज के टाइम में इनकी जो वर्किंग है वो कैसी है, फास्ट है, वर्किंग है वो फास्ट है, क्योंकि जो हवार्ड आइकन ने बनाया था वो टू वैल्यू को, जिस तरीके से ये टू वैल्यू है इसको वो कितने टाइम में करता था, 2+2 को 4 कितने टाइम में करता था, वो 5 सेकंड के अंदर इस वर्किंग को कर देता था, ओनली 5 सेकंड में ये कर देता था। ये कंप्यूटर कितना बड़ा था, ये कंप्यूटर एक रूम जितना बड़ा था। अब बात आती है कि क्या IBM कौन से कंप्यूटर बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, लेकिन आज के कंप्यूटर की ऐसी स्पीड नहीं है, आज का कंप्यूटर माइक्रो नैनो सेकंड में वर्क करता है। लेकिन यहाँ हम बात करें तो उस टाइम का सबसे तेज़ कंप्यूटर, एक बात स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे, जो सबसे उस टाइम का सबसे तेज़ कंप्यूटर, सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर जो हवार्ड आइकन ने बनाया था, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कि जो हवार्ड आइकन ने बनाया था वो कौन से टाइम में बनाया था, वो जो टाइम था, जो ईयर था, वो 1943 था। 1943 में हवार्ड आइकन ने बनाया था, हवार्ड आइकन ने 1943 में जो बनाया था उस टाइम का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था, हवार्ड आइकन ने जो बनाया था मार्क फर्स्ट 1943 में आया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो कंप्यूटर की, आज के टाइम की जो इलेक्ट्रो कंप्यूटर है वो सबसे फास्ट भी है, ठीक है, इनके अंदर और क्या है, और हम बात करें इनकी जो मेमोरी है वो भी है कि इनके अंदर डेटा सेव भी होता है, जो आज के टाइम के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनके अंदर सेव भी होता है, मेमोरी भी है और डेटा सेव भी होता है। इसकी कैपेसिटी की बात करें, आज की इसकी कैपेसिटी की बात करें वो कम से कम 500 GB से कितना है,
कितना है, 500 से 1000 तक आज के कंप्यूटर में नॉर्मली स्पेस इतना आ रहा है, वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करें ये किस में वर्क करते हैं, ये माइक्रोसेकंड या नैनो सेकंड में वर्किंग है इनके। देखो इलेक्ट्रो कंप्यूटर के बारे में हमें ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बताना कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैसा है, फास्ट है, इसके अंदर और क्या है, मेमोरी सिस्टम है, कि मेमोरी सिस्टम का इसके अंदर यूज हुआ है, इसके अंदर सेव करने का सिस्टम है, डेटा को सेव और स्टोरेज किया जा सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 से लेके कितना है, 1000 जितना है, और इसकी जो स्पीड है वो माइक्रो सेकंड से लेकर कितनी है, नैनो सेकंड तक है। इसकी स्पीड है वो नैनो सेकंड तक है, मतलब ये कोई भी वैल्यू को 2+2=4 करता है, वो नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड के अकॉर्डिंग करता है। तो आज हमारा कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो स्टूडेंट कंप्लीट हो गई है, आपको होमवर्क करना है। कल हम इसी टॉपिक की फिर से हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को आगे कितनी जनरेशन में डिवाइड किया गया वो करेंगे। यह 11th और 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को नोट करना है और अच्छे से अपना होमवर्क भी करना है। आपको होमवर्क आपको दिया जाएगा और वो कॉपी में करना है, अच्छे तरीके से करना है, और 12th के अंदर सबसे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से करता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से भी आते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसी टॉपिक से जुड़ के चलेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट।